हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि एल अक्षर से जिन व्यक्तियों का नाम शुरू होता है उनका साल 2019 कैसा जाएगा, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो पहले तो हम व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होता है तो भाई ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनका स्वभाव कुछ रूखा हो सकता है, दिखने में ज़्यादातर ये सुंदर होते हैं और ये लोग किसी के दबाव में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी होते हैं, समाज में इनका वर्चस्व होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है इन्हें। निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं तथा जिस कार्य को हाथ में लिया है उसको पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते। स्वभाव कभी कभी विरक्ति का भी रहता है, ये आप मान के चलिए। तो 2019 का राशिफल एक नया अनुभव लेकर आएगा आपके लिए, बिल्कुल एक नया अनुभव। यह लोग व्यवसाय के मामले में अधिकतर अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यह निजी जीवन की बात आती है तो सितारे सभी के साथ सुमेल का वादा करते हैं। यह है एल अक्षर का। एल अक्षर वाले जो हैं वह स्वयं के भाग्य और विश्वास के लिए लड़ने की इच्छा महसूस करेंगे। अब हम आते हैं कैरियर के ऊपर। कैरियर के लिहाज से वर्ष 2019 सामान्य से अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यवसाय धीरे धीरे हर जगह पे तरक्की होगी। इस साल प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। वे जातक जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें धन लाभ होने की संभावना है। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसमें हताश या निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। अगस्त का महीना आपके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। हालांकि कहना मुश्किल है कि कब आपका भाग्य साथ देगा और कब नहीं, तो ऐसे समय में आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें। मीडिया से जुड़े जातकों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए साल नए नए अवसर लेकर आएगा। आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल सकती है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए साल अच्छे अवसर लेकर आएगा। वहीं जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि आपको डटकर परिश्रम करना होगा, जबकि सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए साल सामान्य रहेगा। तो ऐसे तो यह साल आपके कैरियर के लिए अच्छा है, परंतु यदि आप खुद को क्रिएटिव बनाएंगे तो इसमें आपको और भी अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। तो भाई 2019 छात्र और शिक्षा दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत और अधिक प्रयास करने होंगे। अप्रैल मई और अगस्त सितंबर में शिक्षा के लिए परिस्थितियां बेहतर होगी। इस समय छात्र कड़ी मेहनत करेंगे। सितंबर में आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए मार्च अप्रैल और नवंबर दिसंबर का जो समय है वो अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा हेतु छात्र विदेश जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें विदेशी शिक्षण संस्थान का चुनाव अच्छे से करें। साल के प्रारंभ में छात्रों का मन पढ़ाई से हटकर कहीं और लग सकता है, तो इस दौरान अध्ययन करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा को लेकर तनाव भी रह सकता है। हालांकि बाद में परिस्थितियां शिक्षा के लिए बेहतर रहेंगी और जमकर मेहनत करेंगे जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो सहपाठी और गुरुजन आपकी मदद करेंगे। मन को स्थिर बनाए रखें, योग और ध्यान लगाएं। इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के लिए वर्ष खास रहने वाला है,
इसलिए जमकर मेहनत करें, किस्मत आपका साथ देगी, ये तो पक्की बात है। अब हम आते हैं पारिवारिक जीवन, और पारिवारिक जीवन के बाद हम आपकी आर्थिक स्थिति को बताएंगे। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2019 बेहद उम्दा रहेगा। इस साल परिवार में कई खुशियाँ आएंगी और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाई बहन और मित्रों की ओर से सहयोग मिल सकता है। इस अवधि में आप परिजन या दोस्तों के साथ दर्शनीय और तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें और अच्छा व्यवहार करें। संतान की शिक्षा में प्रगति सितंबर माह से होगी। बच्चे पढ़ाई क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और उनकी कामयाबी आपको खुशी देगी। ससुराल पक्ष से आपको किसी तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। मामा मामी के जरिए भी आपको कोई प्यारा सा तोहफा मिल सकता है। यदि पिताजी किसी संस्था पर कार्यरत हैं तो उनका प्रमोशन संभव है। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लीजिए। वो आशीर्वाद जो है आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अब हम आते हैं सिर्फ आर्थिक पक्ष के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो भाई, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियाँ नजर आएगी। साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। अचानक आपके खर्चों की संख्या बढ़ सकती है। यदि आपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो यह आपको आर्थिक संकट की ओर ले जा सकता है। साल के जून जुलाई में आपका कारोबार गति पकड़ेगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। परंतु यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो किसी अर्थशास्त्री की सलाह से ही निवेश करें, क्योंकि इस समय आपको धन की हानि हो सकती है। धन के मामले में किसी शख्स या संस्था पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इस समय आपका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार सफल रहेगा और इसमें विस्तार की भी संभावना रहेगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका करार हो सकता है। आर्थिक जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। मार्च, अप्रैल और नवंबर दिसंबर का समय आर्थिक जीवन के लिए शानदार रहने वाला है, और इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से उच्च लाभ की प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन में आपको आनंद आएगा। इस वर्ष जीवन साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध और मजबूत होंगे। मैरिड लाइफ को और भी सुखद बनाने के लिए आप जीवन साथी के साथ कहीं सुंदर जगह घूमने चले जाइए। आपको संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। बच्चों की कामयाबी आपको खुशियां देगी। यदि बच्चे किसी प्रकार की जिद कर रहे हैं तो उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करें। जीवन साथी की ओर से आपको बड़ी खुशी मिलने की संभावना है। उनकी कामयाबी पर आपको और भी गर्व होगा। अब हम आते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, जो लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। तो भाई, प्रियतम के साथ मिलने के आपको कई अवसर मिलेंगे। इस अवधि में आप अपने प्रेमी से प्यार का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि समय उत्तम है प्यार का इजहार करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। आपके इस जीवन में किसी तरह का खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अपने रिश्ते को खास बनाए रखने के लिए आपको प्रेम में पारदर्शिता लानी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। इस दौरान अगर रिश्ते में कोई गलतफहमी हो जाए तो समय रहते उसे दूर करें। तो 2019 में आप प्रियतम के साथ आनंद के पल व्यतीत करेंगे। नजदीकियां बढ़ने से एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने और विवाह होने की संभावना है। इस वर्ष के अंत तक आपके एक सच्चे और अच्छे साथी को पाने की जो तलाश है वो खत्म हो सकती है। प्यार के बंधन को मजबूत बनाने के लिए प्रियतम को कोई प्यारा सा तोहफा गिफ्ट में दिया जा सकता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब के जरिए आपका प्यार परवान चढ़ेगा। शुरुआत में फोन के बजाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से ज्यादा बातचीत होगा, परंतु ध्यान रखें, चैटिंग करते समय मर्यादा का पूरा पालन करें। मर्यादा के विपरीत कोई भी काम मत कीजिएगा। साल के बाकी महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। अपने प्रियतम के साथ आप किसी सुहावने सफर पर भी जा सकते हैं। अब हम आपके स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं।
तो भाई आपका जो स्वास्थ्य है एल अक्षर वाले, तो इस वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, हालांकि अपनी सेहत के प्रति आपको संजीदा रहना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। यात्रा से थकान हो सकती है, अतः कम और केवल जरूरी यात्रा ही करें और व्यर्थ की भाग दौड़ मत कीजिए। खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे मोटे तनाव को छोड़ दिया जाए तो आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, आप ऊर्जावान रहेंगे और जोश और उत्साह के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे। अच्छी सेहत के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा। जनवरी फरवरी में आपके जीवन शैली में सुधारात्मक परिवर्तन होंगे, हालांकि इसके लिए आपको स्वच्छ भोजन का सेवन करना होगा। जुलाई अगस्त में पेचिस, बुखार, डेंगू, टाइफाइड जैसे रोग हो सकते हैं, अतः इस समय सेहत का ख्याल रखें और आप अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वच्छता आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। मच्छरों और मक्खियों के द्वारा होने वाली बीमारी से आपका सामना हो सकता है। खान पान में पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करें और साल की शुरुआत में वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नहीं करेंगे तो आप चोटिल हो सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।